जिला किन्नौर में इन दिनों किन्नर कैलाश यात्रा को लोगों द्वारा अवैध तरीके से किया जा रहा है और यात्रियों द्वारा किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान पहाड़ों पर गंदगी फैलाने, जड़ी बूटी व ब्रह्म कमल तोड़ने के कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ये बात विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने कहा कि इन दिनों प्रशासन के आंखों के समक्ष लोग किन्नर कैलाश यात्रा अवैध तरीके से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस विषय में सुध नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा को 1 से 15 अगस्त तक शुरू करने का निर्णय लिया है, तो जुलाई माह में रोजाना सैकड़ों लोग रात के समय अवैध तरीके से यात्रा किसके निर्देश पर कर रहे हैं? अगर पुलिस प्रशासन के आदेश नहीं है तो इस यात्रा पर पुलिस गंभीरता क्यों नहीं ले रही है? ना ही वन विभाग किसी प्रकार से ठोस कदम उठा रहा है, क्योंकि कुछ यात्री अवैध तरीके से जंगलों से जड़ी बूटी उठाने के साथ कैलाश के ब्रह्म कमल तोड़ रहे हैं, जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा किन्नर कैलाश में नालों से बहने वाले पानी को गंदा किया जा रहा है। जो किन्नर कैलाश यात्रा है उसको लेकर प्रशासन ने बड़े बड़ी बातें की है, परंतु 1 अगस्त से ये यात्रा शुरू होना था तो कैसे आजकल लोग जो है यात्रा शुरू कर दिया है? आज भी जो है सैकड़ों लोग जो है हर रोज शिवलिंग की यात्रा करके आ रहे हैं और बीच में जो है लोगों को चोटें भी लगी। ये जो है प्रशासन ने इस बात को आगे सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि हादसा होते होते लोग मरते मरते बचे, कई लोगों के ऊपर पत्थर गिरे और वो जो है उनके 6-6, 7-7 टांके लगे। अब प्रशासन कहती है कि आप 1 तारीख से जाएंगे तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद दिन में सिर्फ 75 लोग जाएंगे, परंतु आज कल जो है सैकड़ों लोग 100-100, 200-200 लोग रोज जा रहे हैं, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? सेडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पिछले 12 सालों से देश प्रदेश में तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यवसायिक कोर्स चलाने के बाद अब सेडा कॉलेज में 4 वर्षीय बी फार्मेसी कोर्स, 3 वर्षीय एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्स व डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। आप भी इन कोर्सेज के जरिए अपना करियर संवार सकते हैं। आपको मिलेगी उच्च स्तरीय लैब, लाइब्रेरी, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, अलग हॉस्टल सुविधा के साथ खेल की कई प्रतिस्पर्धाएं एक ही कैंपस में। कृपया संपर्क करें सिरडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, NH 21, सुंदरनगर, नौलखा, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आप इन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं।